ऐसे नंबर 610 बहुत छोटा स्टैंडर्ड है टेंशन नहीं है देखो दिख रहा है आपको स्टैंडर्ड कितना छोटा है दो तीन चार साढ़े छे बस सिक्स एंड हाफ पेजेस का स्टैंडर्ड है उसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एंड यू माइट बी नो इंड्रेड एंड टेन इज वॉट रिवाइज पिछले के पिछले अटेंड में रिवाइज हो चुका था तो भैया ये पढ़ना पड़ेगा ज्यादा नहीं है साढ़े छह पेजिस का तो चैप्टर ये है स्टैंडर्ड है उसमें क्या है बिग डील है ना तो रेडी हो गया आप लोग सर देखिए कैसे तो भी लग रहा है अंदर ही अंदर राइट सो लेट्स टॉक अबाउट अब अच्छे से पढ़ना है इसको है ना जैसे मैं हमेशा रोज कहूंगा आपको कुछ भी आपको देखो आई एल ट्राई माई बेस्ट कि आपको डाउट्स ना आए बट ऐसा नहीं हो सकता कि डाउट्स आए ना कुछ तो डाउट्स आएंगे आपको सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आर सपोज टू आस्क ओके यू आर फ्री टू आस्क अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स पहले मेरे हिसाब से आपको एक थीम एक स्ट्रक्चर दो आपको उसके बाद अपन क्या करेंगे अपन नोट्स में वापस से रीड कर लेंगे पूरा पूरा है ना वेरी गुड सुनिएगा मैं आपको कुछ ना मस्त ज्ञान देता हूं थोड़ा अपन एक बेस क्रिएट करेंगे एक थीम क्रिएट करेंगे देन वी विल कम टू नो वाई एस एस सिक्स हंड्रेड एंड टेन केम इन टू पिक्चर

ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब सुनना समझना ऑर्गेनाइजेशन अभी यह सिक्स के अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं थोड़ा ये इंट्रोडक्शन है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन वी सी दैट देर आर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स टॉप लेवल मिडल लेवल एंड देर इज वॉट दी बॉटम लेवल सो ऐसे अलग अलग लेवल्स होते हैं ठीक है ना अब होता क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट को आपको तो मालूम होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक रीजनेबल अश्योरेंस देना पड़ता है किसको ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस देना पड़ता है किसको विल से प्रिंसिपल ऑडिटर नहीं बोलेंगे एक इंटरनल है तो दूसरा कौन है एक्सटर्नल है टॉप लेवल मैनेजमेंट को रीजनेबल अश्योरेंस देना पड़ता है एक्सटर्नल ऑडिटर को दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो बच्चो कंप्लीट द सेंटेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट बहुत सही ओके सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट सो यह अश्योरेंस देने के लिए हमने पढ़ा था टू गिव दिस टाइप ऑफ अश्योरेंस टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है ध्यान सुनना समझना टॉप लेवल मैनेजमेंट ये अश्योरेंस देने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाता है इंटरनल कंट्रोल दैट मिनिमाइज दी ऑकरेंसेज ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड दट कॉन्ट्रीब्यूटिंग अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट्स बराबर अब होता क्या है ध्यान से सुनना स्टेप बाय स्टेप अपन जरा कुछ चीजें भी चर्चा करेंगे यहां तक आपको समझ में आ चुका है अब होता क्या है लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज फेसिंग ओवर सी वॉट टॉप लेवल मैनेजमेंट एज इंप्लीमेंटेड डिजाइंड इंप्लीमेंटेड द इंटरनल कंट्रोल्स लगा दिए भाई इंटरनल कंट्रोल्स मतलब लगा दिए मतलब क्या हुआ टॉप लेवल मैनेजमेंट ओवर डियर फ्रेंड्स टॉप लेवल मैनेजमेंट यहां पे इन इंटरनल कंट्रोल्स को क्या करता है ही जस्ट वॉट ही फॉर्म्यूलेट दो इंटरनल कंट्रोल क्या करता है वो फॉर्म्यूलेट करता है मिडिल लेवल का काम होता है उन इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना और बॉटम लेवल का काम होता है उन कंट्रोल्स को एग्जीक्यूट करना समझ में आया नहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट जो ये यह व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है टेंशन में है वो क्या टेंशन में कि यार मैंने इतने खूबसूरत इंटरनल कंट्रोल्स बनाए हैं फॉर्मुलेट किए हैं क्या मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको सही से इंप्लीमेंट करता होगा क्या क्या बॉटम लेवल का मैनेजमेंट उसे बराबर से एग्जीक्यूट करता होगा कि नहीं होगा एंड ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट को इतना समय नहीं है कि वो हर एक लेवल पे जा जाके चेक करे कि आपका इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है करेक्ट बोल रहा हूं ना सो वॉट हैपन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक आइडिया आती है वो बोलता है भाई अपन एक काम करते हैं ना होशियार व्यक्ति को लेके आते हैं बराबर जो क्या करेगा वो आएगा और मैंने जो इंटरनल कंट्रोल्स को फॉर्मुलेट करा है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं चेक करेगा वो बराबर से एग्जीक्यूट हुए हैं या नहीं हुए हैं वो चेक करेगा इसमें कहीं कुछ शॉर्टकमिंग शॉर्टफॉल्स वगैरह कुछ होंगे तो वो मुझे कुछ वैल्यू एडिशन फीडबैक्स भी देगा बराबर के लिए तो मेरे लिए काम करेगा ना वो बराबर तो ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया दैट इज मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया मैनेजमेंट के लिए बराबर टू चेक द इंटरनल कंट्रोल्स दैट टाइप ऑफ ऑडिटर इज कॉल्ड एज द इंटरनल ऑडिटर समझ में आया नहीं आपको बोलो आया ना यस दैट टाइप ऑफ ऑडिटर इज कॉल्ड एज द इंटरनल ऑडिटर दिस इंटरनल ऑर्डिटर कम्स इन टू पिक्चर वो पूरे पूरे इन एंड आउट इंटरनल कंट्रोल्स चेक करता है एंड ही चेक द इंटरनल कंट्रोल्स लाइक ऑल द इंटरनल कंट्रोल्स लाइक ऑल मतलब क्या द कंट्रोल विच आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द कंट्रोल्स विच आर नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे कंट्रोल्स को चेक करेगा अब सर वॉट इज दिस कंट्रोल रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंट्रोल नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ध्यान सुनना प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बन रहा है या नहीं बन रहा है प्रोडक्ट का पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है बोलो बच्चों इट्स अ कंट्रोल रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल ऑडिटर को कोई संबंध नहीं है भाई तुम कैसा भी प्रोडक्ट बनाओ हमें क्या चाहिए जो भी प्रोडक्ट तुमने बनाया वो प्रोडक्ट बराबर से बिका उसका अकाउंट फॉर हुआ कहीं लॉस नहीं हुआ वी आर कंसर्न विद दैट आई एम नॉट कंसर्न विद द क्वालिटी कंट्रोल चेक्स बाबा आपको समझ में आ रहा आपको वेरी गुड इजी है सो विल चेक ऑल द कंट्रोल्स बराबर एंड ई विल रिपोर्ट इट टू द मैनेजमेंट दैट जॉब इज डन बाय होम द इंटरनल ऑडिटर समझ में आया नहीं आपको सिंपल right. एंड ये इंटरनल ऑडिटर इस सब कुछ काम करके अपना एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देगा क्या देगा वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट दे देगा समझ में आया आपको यस yes. आगे बढ़ते हैं अब आता है एक अपना कौन सा ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर कौन सा ऑडिटर आता है एक्सटर्नल ऑडिटर अब ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर आता है ना वो क्या होता है एक्सटर्नल ऑडिटर मैनेजमेंट से रीजनेबल तो ले लेता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट बट कैन ही टेल मी ब्लाइंडली रिलाई ऑन द मैनेजमेंट कैन ही ब्लाइंडली रिलाई ऑन द मैनेजमेंट दैट यस ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू बोलो ऐसा हो सकता है क्या

रिव्यू एंड क्या बोला था अपन ने प्रीलिमिनरी इवेल्युएशन बोला था ना इसे फिर उसके बाद सेकेंड क्या बोला था एक सेकेंड रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवेल्युएशन ठीक है उसके बाद सेकेंड पॉइंट अपन क्या बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंप्लायंस एंड नंबर थ्री क्या बोला था अपन ने इवेल्यूएशन मतलब आप यहां पे आप समझ सकते हो कि एक्सटर्नल ऑडिटर को भी इंटरनल कंट्रोल चेक करना है इवेल्युएशन करने के बाद अपन कंक्लूजन पे आते हैं पूरा आपने तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इवेल्युएशन के समय पे ही विल डिसाइड वेदर कंट्रोल्स कैन बी रिलाइड अपॉन और नॉट येस और नो पता चलेगा उसको आंसर बराबर एंड अकॉर्डिंगली अपन ने यह भी देखा था अगर इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड और दे आर बैड अकॉर्डिंगली अपन यहां पर अपना नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डिसाइड कर सकते हैं सो नाउ अगेन इट इज वॉट मस्ट फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑल्सो टू चेक द इंटरनल कंट्रोल्स नाउ इमेजिन अचुएशन वॉट इज हैिंग An organization is at the one side is having internal audit function. Barabar. Who in itself is also checking the internal controls. There is external auditor who is also required to check the internal controls. Don't you think? Don't you think there is the same thing is being checked again and again and again? Same thing. Barabar. So external auditor was like KR. सेम चीजें चेक हो रही है दो तो दो तो बार एक्सटर्नल ऑडिटर को आइडिया आया वो क्या बोलता है एक्सटर्नल ऑडिटर कि यार मैं क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए क्या उसका काम यूज कर लू क्या और उसका जो असेसमेंट है उसका जो कंक्लूजन है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या मैं अपना ओपिनियन मतलब एक्सटेंट ऑफ चेकिंग डिसाइड करके एग्जामिनेशन करके फिर अपना ओपिनियन दे देता हूं दे ना क्या सिंपल क्या हो जाएगा ओनली द इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट विल बी गिवन टू समन एल्स रेस्ट बेस्ड ऑन दैट नेचर टाइमिंग एक्सटेंड वगैरह सब मैं ही करूंगा ना तो मेरा तो काम बच जाएगा ना आई विल सेव माई टाइम आई कैन गिव दिपोर्ट इन अ मच क्विकर एंड फास्ट अ वे राइट सो द्वेश्चन कम्स कैन द एक्सटर्नल ऑडिटर यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट सो यस नो में क्या हो गया अपन ने तो बोल दिया यस से करके बोल दिया येस सबने बोल दिया ना अभी यस फिर आगे चल के क्या हुआ आप ध्यान से सुनना ध्यान सुनना मजा क्या आया देखना एक्सटर्नल ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया चलो यूज करेंगे इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट में क्या बोला कि ओके इट इज वॉट इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड गुड है अच्छा है अकॉर्डिंगली उसने एक्सटेंट ऑफ चेकिंग जो है ये क्या करा एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कम करा और अपना ओपिनियन दे दिया दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर वास्तविक में रियल लाइफ में एक्चुअली क्या हुआ इंटरनल ऑडिटर का असेसमेंट गलत हो गया और अब क्या हुआ इसके वजह से ये एक्सटेंट ऑफ चेकिंग जो कम हुआ था ओपिनियन जो दिया ट्रू एंड फेयर ये ओपिनियन भी क्या हो गया गलत हो गया अब मेंबर्स ऑफ द कंपनी केम टू द एक्सटर्नल ऑडिटर एंड सेड एक्सटर्नल ऑडिटर यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तुमने तुम्हारा काम बखूबी नहीं निभाया तुम्हें जेल जाना पड़ेगा आईसीआई का काउंसिल तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेगा एक्सटर्नल ऑडिटर बोलता है साहब मेरी कोई गलती नहीं है इसमें देखिए मेरा जो असेसमेंट चेकिंग मैंने पूरी श्रद्धा निष्ठा ईमानदारी के साथ करा बट वो किसके आधार पे किसके बेसिस पे किया ऑन द इवेलुएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स डन बाय द इंटरनल ऑडिटर मेरी गलती नहीं है कैच दैट इंटरनल ऑडिटर ऑडिटर बोलता है देख भाई ठंड ले। सिंपल बोल रहा हूं मैं तेरे लिए काम नहीं कर रहा हूं हेलो आया क्या ध्यान में आपको इंटरनल ऑडिटर क्या बोलता है मैं तेरे लिए काम नहीं कर रहा हूं मैं किसके लिए काम कर रहा हूं मैनेजमेंट किसके लिए काम किस कर रहा हूं मैनेजमेंट के लिए तेरे लिए काम किया किया के तेरे लिए काम नहीं ना फिर तू को मेरे को ब्लेम कर रहा है तू तेरा कर लेने का फिर वो गया आईसीआई के पास कौन एक्सटर्नल ऑडिट आईसीआई गड़बड़ हो गई अब क्या करूं आईसीआई बोलता है रुक फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए हम अब सारे मेंबर्स के लिए क्या दे देंगे स्टैंडर्ड एंड देर फॉर वी आर नाउ स्टडिंग वॉट एस ए नंबर सिक्स हंड्रेड एंड टेन की इफ यू वॉन्ट टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर वॉट आर द रिपोर्ट इज द एक्सटर्नल ऑडिटर इज सपोज टू फॉलो और द प्रोसीजर्स टू बी फॉलो थीम गया फील आया गया उसका बोलो आया ना वेरी वेल सो नाउ अब अपन क्या करते हैं ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया अब अपन आते हैं एस नंबर सिक्स हंड्रेड एंड टेन के मतलब देखना इतना 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 सिर्फ आपको इतना मतलब वैसे वो ये है है नहीं है अपना ज्यादा नहीं तो तो स्टैंडर्ड चार्ट बनेगा ना उसका ठीक सो अभी लिखना है नहीं नहीं, नहीं। पहले अपन क्या करेंगे इसको समझेंगे पूरा उसको समझेंगे उसके बाद अपन लिखेंगे है ना हाँ अभी कुछ नहीं सिर्फ समझना पहले बॉडी के अंदर उतारना है उसको क्योंकि ये मतलब 610 अपने आप में एक चैप्टर है भाई समझ रहे ना तो ये अपना अभी हो जाएगा ब्रेक के पहले ये इतना कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद फिर ब्रेक देंगे एंड देन विल स्टार्ट विद 620 और चैप्टर जो आप बोलोगे वो ठीक है क्या आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बहुत हो गया तो फिर अपन चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे चैप्टर थ्री रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल अब ध्यान से देखना यूजिंग द ऑफ इंटरनल ऑडिटर पहला स्टैंडर्ड में लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन एस एन फाइव एंड एस ए सिक्स हंड्रेड एंड टेन थ्री वन फाइव सर क्या है थ्री वन फाइव थ्री वन फाइव का नाम है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट बराबर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट अब ध्यान से सुनना आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है वो मालूम नहीं है आपको मालूम है क्या आपको नहीं क्योंकि आपने आईपीसी में पढ़ा था बट शायद आप भूल गए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखना ऑडिट रिस्क उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं कंट्रोल रिस्क इनहेरेंट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क को कंबाइंड इफेक्ट जो होता है उसे अपन कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट सिंपल भाषा में समझूंगा नेक्स्ट चैप्टर में अपने को गहराई में विस्तार में पढ़ना ही तीन रिस्क को. है लिंकिंग समझ में आएगा क्योंकि में मजाक नहीं कर रहा हूं देखना रिलेशनशिप बिटवीन एस एन फाइव एंड छह सौ सो डू वॉन्ट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट लेट्स अब मैं आता हूं ध्यान से देखना अब मैं आता हूं आपके कौन से चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर टू सॉरी थ्री मतलब ऐसे यही है फर्स्ट तो अपन स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं ना सो so, आप देख सकते हैं रिस्क असेसमेंट और एस थ्री वन फाइव का नाम क्या है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट ठीक है सो वी स्टार्ट विथ चैप्टर थ्री एंड देन विल कम बैक टू एस ए सिक्स वन जीरो सब कुछ एक लिंक में पढ़ रहे हैं कोई भी ऑडिट कभी भी कोई ऐसे इंडिविजुअल नहीं पढ़ सकता चैप्टर चैप्टर वाइज सब आते हैं अपन या yeah. ठीक बहुत मजा आएगा रे पढ़ने में अब क्या कहते हैं रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल अब पहले अपन यहां पे एक वर्ड लिखते हैं ऑडिट रिस्क ऑडिट रिस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिस्क बोला था ना अपन ने डिस्कस किया था ना इसको सो हाँ। रिस्क so, मतलब अपन ने क्या बोला था रिस्क इज वॉट पॉसिबिलिटी ऑफ ये लिखना मत अभी मैं आपको लिखने के लिए दूंगा ये पहले वाला लिखने की जरूरत नहीं थी वो 610 सौ दस वो इंटरनोटरी वो समझने वाली बात थी ये मैं लिखने दूंगा क्योंकि ये चैप्टर का पार्ट है ना तो इसका चार्ट बनेगा ही पढ़ाते पढ़ाते तो वो सब लिखने दूंगा टेंशन नहीं लेने का बट पहले समझने का कहा था ना मैंने पहले मस्त प्रवचन को सुनने का एक दो मतलब वैसे क्या बोलते उसको झपकी भी आ गई सो जाने का उठोगे अरे सर अभी तक यहीं हूँ हाँ यहीं हूँ है ना मतलब इतना आराम से बट प्रवचन को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट देखो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या होगा ना ये मैंने मतलब एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब इतना ज्ञान देता हूँ ना मैं दैट टाइम स्टूडेंट्स समटाइम्स फील्स लाइक थोड़ा इरिटेटेड कितना बोल रहा है बहुत समझ गया भाई आफ्टर दैट बट जब रिविजन करते उस समय पर जब आप आंसर दे पाते हो ना उस टाइम पे खुशी तो मुझे होती होती है आपको डबल खुशी होती है कि यस वी कैन से इट नाउ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि अपने को आना चाहिए अभी मुझे बोलने दो ना उसके तो पैसे दिए आपने <laughs> बोलने दो मुझे राइट सो ऑडिट रिस्क रिस्क का मतलब क्या बोला था पॉसिबिलिटी ऑफ निगेटिव आउटकम ध्यान सुनिएगा ना दोस्तों पॉसिबिलिटी ऑफ निगेटिव आउटकम अब ऑडिट रिस्क अब सलाह ऑडिट में क्या नेगेटिव आउटकम आ सकता है समझ रहे अब रिस्क का मतलब क्या है कुछ नेगेटिव आउटकम कुछ गलत होने की चांसेस ये ऑडिट रिस्क ऑडिट में क्या नेगेटिव आउटकम हो सकता है भाई सो ऑडिट रिस्क जब अपन बोलते हैं कंबाइंड टुगेदर सो वो क्या कहता है द पॉसिबिलिटी दैट दी ध्यान से सुनना ऑडिटर

रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव आउटकम ऑडिट रिस्क मतलब क्या ऑडिट में क्या नेगेटिव आउटकम हो सकता है मतलब आप समझने की कोशिश करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है बट ऑडिटर बोलता है इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू ऐसा गलत ओपिनियन ऑडिटर दे सकता है क्या बोलो ये सोर नो सो दैट पॉसिबिलिटी दैट ऑडिटर कैन एक्सप्रेस एन इन अप्रोप्रियट गलत ओपिनियन वेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल स्टेटेड

तो ये साला किसके वजह से होता होगा डस वी आर गिविंग अ नेगेटिव ओपिनियन गलत ओपिनियन कैसे दे रहे हैं अपन क्यों हो रहा है तो वो बोलता है इसके है ना तीन रीजन है नंबर वन रीजन इज द कंट्रोल रिस्क नहीं नंबर वन रीजन इज द इनहेरेंट रिस्क नंबर टू इज द कंट्रोल रिस्क एंड नंबर थ्री इज द डिटेक्शन रिस्क ठीक है सो अब क्या होता है मतलब इन तीन रिस्क के वजह से ऑडिट रिस्क आती है सो व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स एग्जाम में क्या पूछेंगे व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क सो व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क यू कैन सी तीनों में कॉमन वर्ड है क्या रिस्क 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 मतलब फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिस्क देन वी विल टॉक अबाउट इनहेरेंट डिटेक्शन और कंट्रोल करेक्ट है सो लेट्स नाउ फर्स्ट फोकस अपॉन द टर्म रिस्क व्हाट इज रिस्क तो वो रिस्क मतलब क्या बोलता है ध्यान से सुनिएगा द पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी लाइकलीनेस चांसेस कुछ भी बोलो पॉसिबिलिटी दैट दर्शन कौन से कौन से अकाउंट बैलेंस डेटर्स क्रेडिटर्स बैंक बैलेंस राइट अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन सेल्स परचेस बराबर और डिस्कलोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डिंग में कितना शेयर होल्डिंग है रिलेटेड पार्टीज का है इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजेक्शन है राइट तो ये डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्या कहता है द पॉसिबिलिटी दैट दीज अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और डिस्कलोजर टू अ स्टेटमेंट हो सकता है क्या दोस्तों कैन दे बी मिस स्टेटेड दैट इज द नेगेटिव आउटकम ना रिस्क मतलब क्या है नेगेटिव आउटकम सो so, यहां पे नेगेटिव आउटकम क्या है मिस स्टेटमेंट तो आपके अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर दे विल बी लाइकली टू व्हाट मिस स्टेटमेंट अपने को सिर्फ मिस स्टेटमेंट से लेना देना है क्या नहीं दीज मिस स्टेटमेंट कुड बी वॉट मटेरियल अपने को मिस स्टेटमेंट कैसे चाहिए मटेरियल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था डिटेक्शन ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नॉट दी इम मटेरियल मिसेटमेंट सो वी वांट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट और अपन ने भी बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट सो मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल अब वो मटेरियल कब होगा तो वो कहते हैं बी मटेरियल नंबर इंडिविजुअली सर मतलब क्या है इधर इंडिविजुअली मतलब क्या एक गलती अपने आप में बड़ी गलती हो सकती है ना बराबर के नहीं और when aggregated or when aggregated with other में मतलब क्या सर मतलब एक दफा बोलता है एक गलती अपने आप में बड़ी गलती हो सकती है या छोटी 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 गलतियां मिलके एक बड़ी गलती बन सकती है यस और नो सो so, इस पूरे चीज को अपन क्या बोलते हैं रिस्क दैट इज द रिस्क कि ऐसी पॉसिबिलिटी कि आपका अकाउंट बैलेंस क्लास और ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर दैट विल बी सब्जेक्ट टू मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल ईदर इंडिविजुअली और वेन एग्रीगेटेड विथ अदर मिस स्टेटमेंट दिस एंटायर थिंग माई डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड एस वॉट रिस्क सो परफेक्ट बॉक्स बनाना बहुत टैलेंटेड है इन बॉन्ट टैलेंट है नाउ दिस अपन क्या बोलते हैं अपने को चाहिए कौन सी कौन सी रिस्क अभी ये रिस्क मिल गया डेफिनेशन ऑफ रिस्क नाउ वॉट वी वॉन्ट इनहेर कंट्रोल एंड डिटेक्शन ये रिस्क चाहिए आप समझो इनहेरिस्क वॉट इज इनर इंट रिस्क द रिस्क विच इज प्रेजेंट सिंस द बिगिनिंग बराबर के नहीं दैट इज कॉल्ड कॉल्डस वॉट इनहेरेंट रिस्क रिस्क इेशन ऑफ पेट्रोल क्या ये इनहेरेंट रिस्क है भाई उड़ेगा ही उड़ेगा ना पेट्रोल अगर बाहर खुला हो धूप में रखोगे उसको तो उसको क्या बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क इट इज एग्जिस्टेंस सिंस द बिगिनिंग बराबर की नहीं यस और नो यस आगे अब इनहेरेंट रिस्क का क्या बोलते हैं रिस्क इनहेरेंट रिस्क को डिफाइन करता हूं द रिस्क दैट द पॉसिबिलिटी दैट एन अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ transaction और डिस्क्लोजर टू a दैट कुड बी मटेरियल material इंडिविजुअली और or एग्रीगेटेड aggregated अदर other misstatements. आगे वर्ड क्या बोलता है इफ वी टॉक अबाउट दिस रिस्क एंड इफ दिस रिस्क कंसिडर्ड बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल ये रिस्क को अगर आप इंटरनल कंट्रोल के पहले देखेंगे इस रिस्क को नाम दिया जाता है कौन सी रिस्क Risk, नहीं समझा वाई इट इज रिटर्न दैट बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल ट्राई टू अंडरस्टैंड नहीं मैं समझा के रहूंगा आपको देखना तुम इंडिविजुअली इट इज मटेरियल बड़ी रिस्क है यह छोटी छोटी क्यूट क्यूट रिस्क एग्रीगेटेड विथ अदर मिस्टेटमेंट तो ये छोटी छोटी गलतियां भी मिलके एक बड़ी गलती हो सकती है समझ में आया कि मैंने क्या बोला आपको Right? So एक गलती अपने आप में बड़ी गलती हो सकती है या छोटी छोटी गलतियां मिलके क्या हो सकती है एक बड़ी गलती हो सकती है सो दिस वॉट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस ये क्या है दोस्तों दिस इज वॉट बोलते क्यों नहीं ये क्या है ये क्या है रिस्क है बराबर अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इसके ऊपर अपन ने क्या लगा दिया कंट्रोल लगाया कंट्रोल अब आपको रिस्क दिख रही है मतलब जो पहले से एग्जिस्टेंस में जो रिस्क थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने लगाया उसके ऊपर क्या इंटरनल कंट्रोल बराबर के ने? बट आपको क्या देखना है इनर रिस्क आपको दिख रही है अभी वो इनर रिस्क देख रही है कि आपको इनर रिस्क नहीं अब दिख रही है क्या कैसे दिखी आपको बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल समझा नहीं हाँ। समझा पेट्रोल इवेपोरेट होता है बट उसको प्रॉपर ढक्के रखते हैं ताकि वो इवेपोरेट ना हो बराबर के नहीं तो वो जो ढक्के रखा है उसको क्या बोलेंगे कंट्रोल बट आपको देखना है कि की क्या रिस्क आएगा निकाल के देखो ढक्कन को फिर पता चलेगा आपको पेट्रोल उड़ता है कि नहीं उड़ता है समझा नहीं समझा एंड आपको याद है जब अपन एग्जीक्यूशन कर रहे थे रिस्क बच्चों फिर उससे रिलेटेड आपको कंट्रोल देखने थे समझा नहीं समझा तो अब आपको बोलो कंट्रोल दिख रहे क्या अब आपको कंट्रोल दिख रहे कंट्रोल दिख रहे क्या हां रिस्क दिख रही है क्या, हाँ. क्या? नहीं अब हा अब नहीं अब अब हा सो so, अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों इफ यू वॉन्ट टू कंसिडर द इनहेरेंट रिस्क इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द इनहेरेंट रिस्क वी हैव टू सी इट बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स ध्यान में आपको कॉन्सेप्ट ईजी है ना एकदम बस मैं बोल रहा हूं समझते रहना बस हर एक चीज को आगे बढ़ते फिर यहां से ओके okay? आगे बढ़ते फिर क्या होता है हमें दिख गई इन इंटरेस्ट रिस्क को इन तो ऑब्वियसली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाएंगे इंटरनल कंट्रोल्स रिस्क के ऊपर अपन कंट्रोल्स लगाते वी पुट व्हाट कंट्रोल्स अगेन ट रिस्क ना द कंट्रोल्स नॉट प्रोवाइड यू हंड्रेड परसेंट अश्योरेंस कंट्रोल लगाया मतलब पेट्रोल उड़ेगा कंट्रोल्स कैन नेवर बी हंड्रेड परसेंट इफेक्टिव अब मैंने बाहर लॉक इन की लगा दिया इसका मतलब है कि कभी चोरी होगी सीसीटीवी कैमरा लगाया बगरा सिस्टम अलार्म लगाया इसका मतलब है कि कभी चोरी होंगी नहीं। होंगी ना कंट्रोल्स कैन नेवर बी हंड्रेड परसेंट फुल प्रूफ बराबर के नहीं सो so, आप क्या होते हैं इन रिस्क के ऊपर आपने लगाए कंट्रोल्स बट दिस कंट्रोल्स फेल्ड दिस कंट्रोल्स व्हाट फेल्ड टू प्रिवेंट द रिस्क टू प्रिवेंट द रिस्क इस रिस्क को क्या नाम देंगे अपन कंट्रोल्स के वजह से आई ना ये रिस्क उसको क्या बोलेंगे अपन कंट्रोल रिस्क इजी है क्या क्या एकदम दिस रिस्क रिस्क इज कॉल्ड कंट्रोल आया धन्यवाद the controls failed to prevent, correct and protect the misstatements. and now the combined assessment of inherent risk and control risk are together called as what? risks of mm -hmm, material misstatement. the combined assessment of all the things is called as what risk of material misstatement so अपन ने अभी क्या पढ़ा sa 315 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया मतलब मैंने ऐसे भी पढ़ा दिया आपको ऐसे भी पढ़ा दिया मैंने व्हाट इज sa 315 का स्टार्टिंग पार्ट क्या बोलता है identify and assess what the risk of material misstatement कर लिया ना identify कर लिया assess भी कर लिया the risk of material misstatement हो गया मतलब sa 315 का फर्स्ट पार्ट हो गया है आगे बढ़ते हैं यहां से अब क्या होता है ध्यान से सुनना मैं क्या पूछ रहा हूं आपको अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है मतलब कंट्रोल्स अच्छे है के बुरे इफ द कंट्रोल रिस्क इज हाई तो कंट्रोल्स आर गुड और बैड बैड सो कंट्रोल्स आर बैड इफ कंट्रोल्स आर बैड द चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड हैपनिंग इज मोर और लेस मोर मतलब एरर्स एंड फ्रॉड्स मोर मतलब रिस्क कम या ज्यादा ज्यादा यही रिस्क मतलब कौन सी रिस्क है वेरी गुड इनहेरेंट रिस्क इज मोर सो अगर मैं ये सब हटा दू वॉट रिलेशनशिप आई गेट बिटवीन द कंट्रोल रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट चालू है ना भाई कि अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा तो इन रिस्क भी ज्यादा समझा नहीं कैसे चेक करते हैं हाउ आपको दिख रहा है यहां पे कंट्रोल्स लगे हुए बराबर बट जो कंट्रोल्स है दे आर वीक कंट्रोल्स दे आर वीक तो ये जो अंदर जो रिस्क है ना पीछे वो बाहर आते बोलते हा <laughs> मुझे कोई नहीं रोक सकता हम आ रहे बाहर <laughs> रोक के दिखाओ हिम्मत है तो देखो हमारे दिख रहा है आपको तो जो पीछे जो रिस्क है बिकॉज द कंट्रोल्स आर वीक कंट्रोल नाउल कम टू फ्रंट दे कम टू फ्लोर समझा नहीं समझा राइट सो रिजल्टिंग इन टू हायर लेवल ऑफ इन रिस्क आया क्या ध्यान में आपको इसीलिए क्या करते हैं कौन से कौन से रिस्क है उसको लिस्ट डाउन करते हैं उनसे रिलेटेड कंट्रोल चेक करते हैं फिर कंट्रोल अच्छे बुरे हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं समझा नहीं समझा आया क्या धन में आपको यस मजा आया पढ़ने में यार। so आप क्या होगा ध्यान से देखना सुनना समझना बहुत भारी पढ़ेंगे अपन तुम मैं देखना तुम बस ऐसा पागल करके छोड़ूंगा तुमको इतना कॉन्सेप्ट से लोड कर दूंगा सो कंट्रोल रिस्क एंड इनर रिस्क ज्यादा है नाउ नाउ टेल मी इफ कंट्रोल रिस्क इज हायर ठीक है तो इनर रिस्क विल बी हायर अब नाउ वी कम टू डिटेक्शन रिस्क

अब अपने को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिलेशनशिप लेके जाना है किसके साथ डिटेक्शन रिस्क के साथ अब अपने को मालूम है कंट्रोल रिस्क ज्यादा तो इनहेरेंट रिस्क ज्यादा डिटेक्शन रिस्क मतलब क्या बोला था अगर ऑडिटर ने नहीं तो मतलब अगर नहीं तो डिटेक्ट नहीं किया तो डिटेक्शन रिस्क मतलब अगर ज्यादा डिटेक्ट नहीं किया तो डिटेक्शन रिस्क ज्यादा थोड़ा सा डिटेक्ट नहीं किया तो डिटेक्शन रिस्क कम मतलब इफ अनडिटेक्टेड पोर्शन इज मोर डिटेक्शन रिस्क इज हायर अनडिटेक्टेड पोर्शन इज लेस डिटेक्शन रिस्क इज लोअर समझा नहीं समझा बोलो हा या ना हाँ, इज़ी है अब इनहेरेंट रिस्क अगर ज्यादा है कंट्रोल रिस्क ज्यादा इनहेरेंट रिस्क ज्यादा सो बच्चो टेल मी टेल मी टेल मी डिटेक्शन डिटेक्शन बोलने से ज़्यादा अच्छा ऑडिटर का जो टेक्निकल टर्म है एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बोलो कम होगा कि ज्यादा होगा सोच समझ के बोलना अगर कंट्रोल ज्यादा तो इन इंटर ज्यादा तो अपना एक्सटेंट ऑफ चेकिंग भी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ज्यादा मतलब अनडिटेक्टेड पोर्शन कम या ज्यादा अनडिटेक्टेड पोर्शन कम तो डिटेक्शन रिस्क बोलो ज्यादा बोलते रे डिटेक्शन रिस्क कम ना अगर अनडिटेक्टेड पोर्शन कम तो डिटेक्शन रिस्क भी कम सो so, आपको समझ में आया क्या अब मैं वापस से इनका रिश्ता क्या कहलाता है वो बताता हूँ आपको सो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के साथ क्या हुआ डिटेक्शन रिस्क इज लोअर एंड आप समझो डिटेक्शन रिस्क कम तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम ना अरे डिटेक्शन रिस्क कम हो गया तो मतलब क्या हो गया ऑडिटर इज डिटेक्टिंग मैक्सिमम ऑफ दम स्टेटमेंट ना सो so, ओवरऑल गलत ओपिनियन देने के चांसेस क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे ना आएगा so, की कोशिश करो कंट्रोल रिस्क और रिस्क इट इज नॉट इन ऑफ ऑडिटर और नो मैनेजमेंट ने लगाया जो करा धरा मैनेजमेंट ने मैं तो बस उसका असेसमेंट कर रहा हूं फिर उसके बेसिस पे मुझे क्या करना है क्या करना है मुझे एक्सटेंट ऑफ चेकिंग डिसाइड करके मुझे डिटेक्शन रिस्क कम लानी है ताकि ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या हो कम हो समझा नहीं समझा एंड डेर फोर अब आप समझो कंट्रोल्स जो अपन पढ़ रहे थे कंट्रोल्स को चेक करना अपने को जरूरी है क्या टू फाइंड आउट कंट्रोल रिस्क बराबर बिकॉज अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड वॉट वॉट वी विल डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग सो वी विल मिनिमाइज द डिटेक्शन रिस्क एंड ओवरऑल ऑडिट रिस्क यस और नो बट कंट्रोल्स चेक कर रहा है यहां पे एक तो इंटरनल ऑडिटर भी और एक्सटर्नल ऑडिटर भी

सो so, ऑडिटर को ये दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए आया क्या धन में आपको राइट सो डिड यू गेट दी क्या बोलते हैं रिलेशनशिप ऑल्सो बिटवीन द टू मतलब आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट अब जब बोलूंगा तब तो दिमाग में बजेगा क्या कंट्रोल रिस्क और इनरेंट रिस्क सो कंट्रोल रिस्क की वजह से इनरेंट रिस्क uh, मतलब बढ़ रही है तो कंट्रोल्स का असेसमेंट होना जरूरी है ताकि उसके हिसाब से अपन एक्सटेंट ऑफ चेकिंग डिसाइड कर सके बराबर विच इज़ इन्वर्स रिलेटेड

जो extent of checking की बात करी ना अपन ने कि कम या ज्यादा उसको और विस्तार में पढ़ेंगे और जो वो विस्तार में पढ़ने वाला होता है ना वो आता है एस ए नंबर थ्री थर्टी में बहुत मजा आएगा थ्री वन फाइव में आइडेंटिफाई करते हो आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करना होगा ना कि कम चेक है या ज्यादा चेक दैट इज टू दी रिस्क वो अपन पढ़ेंगे आगे थीम समझना एंड देन यू विल रिड्यूस दी ओवरऑल ऑडिट रिस्क दैट इज डिटेक्शन डिशन तो ऐसे थ्री वन फाइव थ्री थर्टी ऐसा रिश्ता है मजा आएगा ऐसे भी बहुत एकदम खूबसूरती से बनाए हुए अपन खूबसूरती से पढ़ेंगे भी उसको जिंदगी में आपने कभी ऐसे कुछ पढ़ा नहीं होगा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर सब कुछ अच्छे से तो अभी आप ये ऑडिट रिस्क लिखेंगे ठीक है लिखने के बाद ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से आने के बाद क्या होगा वी विल कंटिन्यू विथ एस नंबर सिक्स टेन ये पहले नोट्स में कहा है वो पढ़ना है क्या नहीं सर हम लिखें बहुत पढ़ लिया भाई सो नाउ वी जम्प बैक टू वेयर वी स्टार्टेड राइट वो क्या था दोस्तों अपना रिलेशनशिप बिटवीन एस ए थ्री वन फाइव एंड सिक्स वन जीरो अभी आपको समझ में आ रहा yes, perfect है अच्छे से यस परफेक्ट है सो क्या होता है यहां पे अब जरा गौर से देखेंगे ध्यान से सुनना अब आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में क्योंकि अब आपको बहुत सारी चीजें इंटरनल कंट्रोल्स रिस्क हाउ इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर कैन यूज द वर्क ऑफ ईच अदर ये सारी चीजें आपके बॉडी में जा चुकी है सो स्टडिंग दिस स्टैंडर्ड बी वेरी 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 इजी ठीक है ना, so, देखते क्या है एंटिटी, बराबर एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन दैट इंटरनल ऑडिट फंक्शन बराबर वो एंटिटी जो है उनमें क्या लगाया इंटरनल ऑडिट फंक्शन आपको बोला था ना टॉप लेवल मैनेजमेंट वो इंटरनल कंट्रोल्स लगाएगा बट इंटरनल कंट्रोल को चेक करने का टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास समय नहीं है इसके लिए वो क्या क्या कौन सा एक डिपार्टमेंट खड़ा करेगा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन बराबर अब कहते क्या है ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन अगर आपको एक्सटर्नल ऑडिटर को अगर यदि ये इंटरनल ऑडिट का काम यूज करना है सो so कहते हैं फ्लो ध्यान में रखना सिर्फ कैसे पढ़ा रहा हूं तो कहते हैं द एक्सटर्नल ऑडिटर शुड हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ वॉट ऑफ दी इंटरनल ऑडिट फंक्शन किसका नॉलेज होना चाहिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए अरे देखो मैं अगर सिंपल सी बात है अगर मैं तुम्हारा काम इस्तेमाल करना चाहता हूं तो सीधी सी बात है मुझे आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तब जाके मैं डिसाइड करूंगा ना कि आई शुड यूज योर वर्क और नॉट सो उसमें क्या मैं जानकारी लूंगा कि मुझे जानकारी चाहिए सो देट आई कैन अंडरस्टैंड कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन उस एंटीटी में कैसे चल रहा है

ट इज एस एन फाइव का सो अब क्या हुआ एनटीटी हैज इंटरनल ऑडिट फंक्शन बराबर एनटीटी हैज इंटरनल ऑडिट फंक्शन एक्सटर्नल ऑडिटर इज प्लानिंग टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बट बिफोर यूजिंग दैट वर्क आई शुड नो कि इस एनटीटी का मतलब जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है उसका एनवायरमेंट कैसा है एंड वॉट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट आई शुड बी एबल टू हैडिंग राइट साथ ही साथ क्या बोलता है वो नॉट ओनली आई शुड हैव द नॉलेज अबाउट इंटरनल ऑडिट फंक्शन उसके नॉलेज में क्या चाहिए मुझे वॉट नॉलेज शुड आई वॉन्ट सो कहता है उसका ऑब्जेक्टिविटी क्या चाहिए आई शुड चेक वेदर दे ऑब्जेक्टिव और नॉट कल अपन ने डिस्कशन किया था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के ऊपर ऑब्जेक्टिव इट डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट सब्जेक्टिव इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड this is the internal audit department, internal audit function. it is inside the organization, created by the management for the management and it is of the management. sometimes the employees of the company are also appointed as the internal auditors. मालूम है आपको? होता क्या है? अब ये internal auditor जब काम करना शुरू करता है और उसको दिखता है कि कोई person in the management, कोई officer, वो उन इंटरनल कंट्रोल्स को सही तरीके से फॉलो नहीं करता है वो चाहता है कि मैं वो अपने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करूं उसको बट सिंस ही इज इज द द पर्सन हु अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट वो रिपोर्ट करेगा मैनेजमेंट और क्या होगा मैनेजमेंट मैनेजमेंट के बारे में गलत गलत बोलेगा तो शायद उसको हकाल देगा उसको डरा धमकाता होगा तो वो शायद बोलेगा जान यार अपना आदमी है अपन काय को गलत गलत बोलने का तो वो क्या हो गया सब्जेक्टिव हो गया बट वॉट वी वॉन्ट इफ वी आर सपोज टू यूज द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर नीड टू नो की वेदर दट पर्सन इज ऑब्जेक्टिव और नॉट ही शुड नॉट बब्जेक्टिव इस डिसीजन शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वॉट वी वॉन्ट दट ही ऑब्जेक्टिव सेकेंड क्या कहते हैं उसने स्कोप क्या क्या कवर कराया आपको बोला था ना दो तरीके के कंट्रोल्स होते हैं कंट्रोल्स विच आर रिलेटेड टू ऑडिट एंड कंट्रोल्स विच आर नॉट रिलेटेड टू ऑडिट सर वॉट इज कंट्रोल्स अपने कौन से कंट्रोल्स मैटर करते हैं कंट्रोल्स विच आर रिलेटेड टू ऑडिट कंट्रोल्स विचर रिलेटेड टू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सो so, अपने को जो वो कंट्रोल चाहिए क्या वो उसके स्कोप में आए हैं क्या नहीं वो तो चेक करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा नहीं ऐसे थोड़ी डिसाइड कर लेंगे कि यूज करना है करके आया धन में थर्ड पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितने बखूबी अच्छे तरीके से निभाया है और लास्ट में कहता है उसका स्टेटस स्टेटस मतलब क्या पैसे वाला है क्या नहीं वो नहीं स्टेटस मतलब उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या दर्जा दिया जा रहा है सोचो so, अगर उसको मैनेजमेंट के साथ अगर रखा गया है कि नहीं he is the auditor. But अगर उसको ए, चल निकल, क्या, ए, है, बोल मत, उसका ही नहीं में, तो क्या हो जाएगा उसका काम भी उतने क्वालिटी का नहीं होगा दोस्तों सो वॉट वी वॉन्ट टू नो हाउ एस वन टेन क्या बोलता है एंटिटी इट्स इंटरनल कंट्रोल दैट इज द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट तो उसके वजह से क्या कहता है उसको इस इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में जानकारी लेनी बहुत जरूरी है वो जानकारी उसको कैसे मिलेगी जानकारी उसको चार, चार चीजें मालूम होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्टिव है क्या उसने क्या क्या, क्या अपने स्कोप में कवर करा है उसके बाद वो क्या देखता है उसका स्टेटस एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ में आपको एंड ये सब होने के बाद और ये सब तो वेरी होता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट सिंपल है सो अब क्या होता है ये सब चीजें होने के बाद अगेन द सेम रिपीटेड ही वर्क ऑफ इंटरनल ऑन वॉट ग्राउंड ये जो डायरेक्ट असिस्टेंस वाला जो ये पार्ट है ना दिस पार्ट इज द रिवाइज पार्ट पहले सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते थे अपन यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर अब इसमें क्या आया है डायरेक्ट मतलब उसको काम करने बोलो अपना काम उसको करने बोलो पहले क्या होता था अपन उसका काम इस्तेमाल कर सकते थे अब डायरेक्ट असिस्टेंस में क्या बोला उसको बोलो तू काम कर प्रोवाइडेड एस 610 के प्रोसीजर्स फॉलो करो दैट डील्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर वेदर ही कैन यूज द वर्क और नॉट दिस इज सिंपल रिलेशन एक बार क्विक रिकेप करते हैं और याद भी करेंगे समझ सिंपल थीम है समझने की कोशिश करना मैं किसी का काम इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले ये कौन सी एंटिटी उसका एनवायरमेंट और उसमें कौन से रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट है उसका पहले मुझे एक्सटर्नल ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग चाहिए चाहिए क्या चाहिए फिर ये एनवायरमेंट के अंदर कौन सा इंटरनल ऑडिट फंक्शन काम कर रहा है वो भी देखना है मुझे वो लोग कैसे होने चाहिए ऑब्जेक्टिव उनका स्कोप क्या है वो चेक करना है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो चेक करना है और लास्ट में क्या कहता है कि उनका स्टेटस क्या है ऑब्वियसली ये वेरी करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और टीसीड जी इफ आई डिसाइड कि आई वॉन्ट टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और टू यूज हिम इन द डायरेक्ट असिस्टेंस इन द डायरेक्ट वर्क आई शुड अगेन नो वेदर इज ऑब्जेक्टिव वट आर दिंग्स कवर्ड इन स्कोप वट आर द पॉलिस एंड प्रोसीजर्स फॉलोड बाई हिम एंड वेदर हिज अप्रोच इज अ डिसिप्लिन और अ सिस्टमेटिक अप्रोच एंड इफ आई एट ऑल डिसाइड नहीं करता हूँ इसका काम इस्तेमाल तो ऐसे छह सदस्य आके बोलता है तुमने कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करनी है तुम्हारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है आप उसको अदा करो तब जाके आप इस्तेमाल कर सकते हो अदरवाइज नहीं समझा नहीं समझा आपको ईजी है येस सो वे कम टू द स्टैंडर्ड नाउ देखो ये जितना भी पढ़ा है ना ये इतना ज्ञान दिया है मतलब दिस दिस यू सी दिस पेज पूरा इतना इतना ज्ञान दिया है ना वो बहुत सिंपल ब्रेक डाउन किया उसको अब आपको देखो मजा आएगा पढ़ने में रिलेशनशिप बिटवीन एस ए थ्री वन फाइव एंड एस ए सिक्स वन जीरो रिवाइज मैनी एंटिटीज ध्यान से देखना क्या क्या अंडरलाइन कर रहा हूं मैनी एंटिटीज एस्टैब्लिश इंटरनल ऑडिट फंक्शन होते हैं ना और क्यों आते हैं वो भी बताए क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास इतना समय नहीं है कि वो बराबर से इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है एज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल एंड गवर्न स्ट्रक्चर गवर्न ऑर्गेनाइजेशन बराबर से मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा उसके लिए द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आगे उसके ऑब्जेक्टिव उसके स्कोप ऑफ एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसका स्टेटस फंक्शन ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बराबर अपने को क्या रहता है, है कि ये सारी चीजें उसके ऑब्जेक्टिव उसका स्कोप मतलब उसके क्या अचीव करना है उसके स्कोप में क्या क्या चीजें आती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसके फंक्शंस क्या है दे से दिस वेरी वाइडली चार्ट में लिखा था डिपेंड्स अपॉन द साइज एज वेल एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस डिड यू गेट द फर्स्ट पॉइंट ओवर हि एन टी टी ऐसे देखना एनटीटी एस्टैब्लिश वॉट इंटरनल ऑडिट फंक्शन द नेचर ऑफ सॉरी द स्कोप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लास्ट में उनका स्टेटस दे वेरी फ्रॉम नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द साइज एंड नंबर टू द रिक्वायरमेंट क्लियर है क्लियर Next. Essay 315 Identifying and Assessing the Risk of Material Misstatement through Understanding the Entity and its environment. Kya hai? Addresses how the knowledge and experience Kya rahe hai, Ki knowledge and experience of internal audit function. कैन इंफॉर्म एक्सटर्नल ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंटिटी एनवायरमेंट एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट नहीं समझाना आपको बोलना हमेशा क्या बोलने का नहीं हमेशा नहीं बोलने का अब वो क्या बोलता है कि अगर मुझे इंटरनल ऑडिट फंक्शन का नॉलेज मिलता है इफ दिटर गेट्स the नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कि वो कैसे है कितना एक्सपीरियंस है नॉलेज अबाउट दी दी एनवायरमेंट ऑफ द एंटिटी एंड वॉट इट्स रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट चार्ट में आते हैं और सिंपल ब्रेक डाउन करते हैं उसका सो so, एक्सटर्नल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में क्या होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए अगर उसको यह जानकारी मिली इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटिटी बेटर वे में इट्स एनवायरमेंट इन अ मच बेटर वे एंड ऑल्सो द असेसमेंट दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट आई यू गेटिंग द फ्लो यस तो अभी तक अपन ने दो पैराग्राफ्स पढ़ लिया बोलो बिना देख के अपन बोल सकते हैं क्या ये दो पैराग्राफ्स बच्चों हर एक चीज एंड एंड टू स्टैंडर्ड की याद होनी जरूरी है कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा रिलेशनशिप बिटवीन थ्री सिक्स वन जीरो राइट नोट बोलेंगे है ये भी मॉड्यूल के चैप्टर में नहीं है कहा स्टैंडर्ड में पढ़ो बोलो फर्स्ट क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए एंटिटी एस्टैब्लिश वॉट इंटरनल ऑडिट फंक्शन सो उस इंटरनल ऑडिट फंक्शन का क्या नहीं नहीं उस इंटरनल ऑडिट फंक्शन का ऑब्जेक्टिव स्कोप स्टेटस एंड लास्ट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच ग्राउंड नंबर वन साइज, नंबर टू रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस करेक्ट है करेक्ट अब उसके बाद जो ये एक्सटर्नल ऑडिटर है क्या ये एक्सटर्नल ऑडिटर को इस इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए क्या हाँ अगर एक्सटर्नल ऑडिटर इस इंटरनल ऑडिटर के बारे में जानकारी लेगा तो इसे क्या फायदा होगा क्या होगा ई विल बी एबल टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड दी एनवायरमेंट एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट सिंपल है दिमाग खुला रखे पढ़ना आगे एसे थ्री वन फाइव ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन Between internal and external auditors also create an environment in which external auditors be informed of significant matters that affect the external auditors. work Same logic अपन ने 600 में पढ़ा था। दोनों में coordination होना चाहिए। Coordination होना चाहिए तो अपन ने क्या बोला था? दो point लिखे थे। भूल गए आप। Coordination में दो point लिखे थे। There should be sufficient communication and he can he is able to answer a detailed question है। Same यहाँ पे वही बोला है। Proper communication होना चाहिए। So, यहां पे चार्ट में डाल दिया इंटरनल ऑडिट फंक्शन कम्युनिकेशन किसके साथ एज एक्सटर्नल ऑडिटर इंफॉर्म अबाउट द सिग्निफिकेंट मैटर्स किसके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है यहां एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब सिंपल पॉइंट से आगे डिपेंडिंग अपॉन द वेदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में कितनी इज्जत दी जा रही है उसका पोजिशन रुदबा कहां है एंड उसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डू दे सपोर्ट हिज ऑब्जेक्टिविटी दैट यू शुड नॉट बी बायस लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी कितना होशियार है एंड वेदर ही डिसिप्लिन अप्रोच देन ओनली द एक्सटर्नल ऑडिटर में ऑल्सो भी एबल टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन समझा नहीं समझा तो यहां पर अपन ने इसको यहां पर डाल दिया ये खत्म हो गया इतना वाला चार्ट खत्म हो गया अब आते हैं ये वाले साइड में तो क्या बोलता है he may use the work of internal auditor based on what the status objectivity policies procedures and systematic approach then only he can decide to use the work of internal auditor this essay addresses the external auditor's responsibility the De gueña deals with the responsibilities of external auditor in this regard whether to use or not next this essay also addresses kya? also addresses एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीडरिंग यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस पहले क्या था वो काम करता था उसके काम को अपन इस्तेमाल करते थे अब क्या बोल रहे भाई तुझ काम कर मेरे लिए डायरेक्ट डायरेक्ट जैसे इंटर्न कैसे काम करते हैं वैसे अपन बोलेंगे इंटरनल ऑडिटर तू काम कर मेरे लिए डायरेक्ट असिस्टेंस देर मे बी इंडिविजुअल इन एंटिटी दै परफॉर्म प्रोसीजर्समिलर टू दोफॉर्म बाई इंटरल ऑडिट फंक्शन अनलेस परफॉर्म बाई एन ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्पिटेंट फंक्शन दट अपलाइज अस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल सच प्रोसीजर्स वुड भी कंसिडर इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑप्टेनिंग ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द इफेक्टिनेस ऑफ सच कंट्रोल्स वुड बी द पार्ट ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉस टिस्ट इन अकॉर्डेंस विद अ थ्री थर्टी लास्ट पैराग्राफ इतना कुछ मैटर नहीं करता अभी बट वॉट मैटर्स इसकी जो ऊपर जितने पैराग्राफ ये पढ़े थे ईजी है क्या अब अपन जरा वापस से यहां पे देख के इतना बोले क्या यस बोल सकते हैं क्या अपन यस चलो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना कौन है चार्ट पूरा दिमाग में बनाना है अपने को भी एकदम बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आराम से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये रिवाइज है इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है राइट सो ध्यान से सुनिएगा कौन है यहाँ पे एन टी टी एन टी टी के अंदर क्या लगा हुआ है इंटरनल ऑडिट फंक्शन ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव उनका स्कोप उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका स्टेटस ये क्या होगा वेरी होते जाएगा डिपेंडिंग अपॉन वॉट साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस देन वी टॉक अबाउट हुम द एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर बराबर शुड हैव द नॉलेज अबाउट वॉट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एरो वहां से गया ना क्योंकि सो द द एक्सटर्नल ऑडिटर शुड हैव नॉलेज अबाउट वॉट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन स्क्रीन पे देखते रहना वाई टू अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स कौन से एंटिटी एनवायरमेंट एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखा मैंने वहां पे नीचे थ्री वन फाइव लिखा हुआ है आगे इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए यस So now the external auditor decides to use the work of internal auditor, but he can only be able to use when. depends upon, number one, the objectivity, the status, policies and procedures and the approach adopted by whom the internal audit function.. Parabar. Or he may also use it for what? Direct assistance. SS610.

डायरेक्ट असिस्टेंस मैंने सिंपल कर लिया है आपके लिए दो हिस्सों तो में ब्रेक किया उसको राइट right? ये तो क्या है ये जो पार्ट वन है ये पुराना ही है ये पार्ट टू क्यों जानबूझ के अलग से लिखा आपके लिए ताकि आपको मालूम हो ये रिवाइज्ड है एग्जाम के समय पे रिवाइज्ड पार्ट पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है राइट right? सो so, आपको आगे चल के अगर कोई जैसे आप आगे जाते हो और कोई अमेंडमेंट्स भी आ जाते हैं अब तो आएंगे नहीं बट आ जाते हैं सो यू स में अमेंडमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि जो रिवाइज हुआ है तो अपने को पूरा मालूम है तो यू कैन नो कि डिफरेंसेस कहां पे है इन एंड आउट स्टैंडर्ड मालूम होना चाहिए सो so दोस्तों बोलो फटाफट स्क्रीन पे दिख रहा है आपको मस्त एकदम अच्छे से दिख रहा है ना पूरा पूरा यस तो अब वो चार्ट बन चुका है आपके दिमाग के सामने लेट्स रोल नाउ राइट एसे नंबर बोलो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एसे नंबर सिक्स वन जीरो किसके बारे में बात करता है यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर बराबर कह रहे So, उसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एस ए थ्री वन फाइव एंड एस ए सिक्स वन जीरो सिंपल है कौन है यहां एंटिटी उसने क्या लगाया इंटरनल ऑडिट फंक्शन इस इंटरनल ऑडिट फंक्शन के क्या क्या चीजें ऑब्जेक्टिव स्कोप स्टेटस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है वेरी डिपेंडिंग अपॉन वॉट साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इजी पीस ऑफ केक Then, what happens? External auditor should have what? Knowledge about what? Internal audit function. Why? To understand three things: consequence, entity, environment, and risk of material misstatement. Is it clear? Yes. And there should also be what? Communication about the significant matters done by internal auditor to external auditor to understand the scope of work. Then, the external auditor may decide to use the work of internal auditor. But on what grounds? The scope, the objectivity, the policies and procedures, the disciplined and systematic approach. Or you may also decide to use what? Direct assistance. Then which essay deals with the responsibility of external auditor? Essay 610. Over. Are bade yaha Yes. Do minute. Ha na, do minute minutes. minute. Do minute minute. अगेन अ वॉक थ्रू चार्ट के बेसिस पे रीडिंग कल करेंगे ना टेंशन क्या उसमें एस एस सिक्स वन जीरो न फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉक्स अबाउट वॉट यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर किसकी बात करता है बच्चों यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर पार्ट टू क्या बात करता है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड वॉट सॉरी यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स वर्क नहीं यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड वॉट डायरेक्ट असिस्टेंस डायरेक्टली उनका काम इस्तेमाल कर So, अब ध्यान से देखना अब पार्ट वन को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया।, किया है बहुत इजी किया है रे पार्ट वन के तीन हिस्से क्या है देखना समझना पहले अपन ने पहले डिसाइड करना अगर आई एम गोइंग टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर पहले जस्ट अंडरस्टैंड हेडिंग्स बहुत ईजी होगा तीन हेडिंग्स में डिवाइड किया पहले क्या डिसाइड किया ओके डिसाइडिंग एरियाज एंड टू वॉट एक्सटेंट आई कैन यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर नहीं अगर मुझे तुम्हारा काम इस्तेमाल करना है तो पहले मैंने क्या डिसाइड करना चाहिए कि भाई कौन से एरिया में कितने हद तक मैं आपका काम इस्तेमाल करूंगा हाँ एरिया और एक्सटेंट डिसाइड कर लिया फिर मैं देखूंगा डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ द वर्क टू बी यूज अब मैंने इस एरिया में इतने एक्सटेंट मतलब समझने की कोशिश करो मैंने स्टोर से रिलेटेड डिसाइड किया कि इंटरलोइर का वर्क इस्तेमाल करूंगा यह एरिया है उसमें मैंने डिसाइड किया कि मैं आ, कुछ एक्सटेंट तक उसका काम इस्तेमाल करूंगा अब जब मैं उसका में आता है। so, used, उसमें, उसमें अलग बहुत सारे काम करे होंगे ना इंटरनल ऑडिटर ने सो so, उसने जितने भी काम करे हैं उतने काम में से मैंने कितना काम इस्तेमाल करना है कौन से कौन से उसने मैं भी क्या कराऊंगा फिजिकल वेरिफिकेशन कराऊंगा मैं भी उसने वैल्यूएशन कराऊंगा उसने सरप्राइज चेक करेंगे सो so, मैंने क्या देखना है उसमें का द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क टू बी यूज आई विल डिटरमाइन दैट एंड देस आई डिटरमाइन नाउ आई गो एंड एक्चुअली यूज इट समझा नहीं समझा तीन स्टेजेस पहले क्या डिसाइड करने का एरिया टू वॉट एक्सटेंट द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज टू बी यूज सेकेंड क्या है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क बराबर एंड थर्ड क्या है यू एक्चुअली यूज इट सो वेन वी आर सींगट वी डिटरमाइन द एरियाज तो पहले क्या करेंगे अपन सिंपल जो अपने ऑलरेडी ऊपर पड़ चुका है अगर मुझे उसका काम यूज़ करना है कौन से एरिया में कितने हद हाँ तक पहले मोटिवेट करना है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को कि वो उसका स्टेटस उसने क्या पॉलिसीज प्रोसीजर्स एडॉप्ट किया क्योंकि जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अडॉप्ट किया अगर वो सही होंगे तो ये इस्तेमाल कर सकता हूँ ना भाई नहीं तो छोड़ दो ना काम ही नहीं नहीं इस्तेमाल ही नहीं करना कोई एक्सटेंड तक नहीं करना सो so पहले आई विल डिटरमाइन वॉट उसका स्टेटस उसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स

कॉम्पिडेंस होशियार भी नहीं है अप्रोच भी गलत था नहीं करने का यूज खत्म समझा नहीं समझा बट अगर ठान लिया यूज करना है तो अब क्या होता है इंटरनल ऑडिटर का, का काम यूज करना है तो पहले अपन ने देखना है कि उसने कितना काम किया है वॉट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क परफॉर्मड एंड उसने जो परफॉर्म किया है अपने लिए वो रेलिवेंट है या नहीं है थीम समझना पहले सिर्फ स्टोरी को समझने की कोशिश करना याद करने की कोशिश नहीं कर रहे अपन अभी याद वो होगा कल नहीं तो परसो या तरसो इंपॉर्टेंट आज क्या है अंडरस्टैंडिंग राइट सो पहले अपन ने क्या करा वी डिसाइडेड एरियाज एंड टू वॉट एक्सटेंड बेस्ड ऑन वॉट उसका अपन ने देखा कि उसके स्टेटस पॉलिसीज प्रोसीजर्स उसके बाद उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंस अप्रोच ये सब है इस्तेमाल करेंगे ये सब नहीं है इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर ठान लिया इस्तेमाल करेंगे फिर अपन क्या देखेंगे उसका नेचर एंड स्कोप जो उसने काम किया है और जो उसने काम किया है क्या वो मेरे लिए रेलेवेंट है भी या नहीं है। आया धन वेदर इट इज रेलवेंट फॉर मी और नॉट नेक्स्ट एक्सटर्नल ऑडिटर शैल मेक ऑल द सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड परफॉर्म मोर वर्क अब ध्यान से देखना एक्सटेंट की बात कर रहे थे ना स्टॉप चेक किया इंटरनल ऑडिटर ने तो मैं पूरा पूरा स्टॉक का उसका काम इस्तेमाल नहीं करूंगा आई शुड बी सफिशियंटली सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व तो कौन से केसेस में आई शुड बी सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व रे कौन से केसेस में आई शुड बी सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व तो वो क्या बोलता है अगर आपको लगता है अगर नहीं थे तो यूज नहीं करेंगे बट आपको अगर लगता है कि देर इज लोअर कॉम्पिटेंस द अप्रोच वॉज पुअर द स्टेटस इज लोअर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वर रॉन्ग इज नॉट ऑब्जेक्टिव आई विल इन्वॉल्व मोर माई सेल्फ क्या लिखता है एक्सटर्नल ऑडिटर शाल मेक ऑल सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट मीन वॉट इंपॉर्टेंट मटेरियल सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड परफॉर्म मोर वर्क ज्यादा से ज्यादा काम कहां करेगा एक तो देखो ये एक पार्ट है सिग्निफिकेंट जजमेंट जो होंगे ना ही विल नॉट गिव दिस टास्क टू द इंटरनल ऑडिटर इट विल बी हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर के नहीं एंड नंबर टू ही विल परफॉर्म मोर वर्क इन विच एरिया वेरी फाइंड दैट देर इज लोअर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंस पॉलिसीज प्रोसीजर्स नॉट अप टू डेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसमें मैं ज्यादा काम करेगा नंबर टू प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ द ऑडिट रे उसमें मैं थोड़ी बोल सकता हूं उसको कि तू मेरे लिए प्लानिंग परफॉर्मिंग कर दे होएगा क्या ऐसे नहीं प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस आई विल इवेल्युएट द ऑडिट एविडेंस आई विल नॉट टेल हिम टू इवेल्युएट एविडेंस एंड लास्ट पॉइंट क्या है हाई रिस्क एरियाज इन चीजों में वॉट आई विल डू आई विल डू मोर वर्क किसमें किसमें बोलो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग इवेल्युएटिंग सब मेरा कोर काम है ना भाई प्लानिंग परफॉर्मिंग ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट करना हाई रिस्क एरियाज में ध्यान देना मेरा कोर काम है आई विल वर्क मोर इन इट समझा नहीं समझा सो so कहता है ही शुड बी सफिशियंटली इन्वॉल्व इन दिटिट एंड कम्युनिकेट टी सी डब्ल्यू जी विद प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क एज पर एस ए टू सिक्सटी कम्युनिकेशन विद दो चार्ज विद गवर्नेंस बराबर समझा नहीं समझा आपको ये ईजी है अब so, क्या होता है खत्म हो गया पार्ट वन अब अगर, अगर अपन यूज करते हैं तो क्या होता है ध्यान से देखना इंटरनल ऑर्डर एक्सटर्नल ऑर्डर पहले मिलने का और क्या डिस्कस करने का कि भाई मैं तेरा काम यूज करने वाला हूं तो तू ऐसे ऐसे काम करना जैसे अपन ने छे सौ में बोला था एडवाइस करो सेम नंबर टू उसके रिपोर्ट्स को रीड करो और अगर आपको उसमें कुछ क्या क्या बोलते हैं उसके रिपोर्ट्स को रीड किया ना उसको रिपोर्ट्स को रीड करो बराबर एंड देन वॉट परफॉर्म सफिशेंट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स राइट हाउ वेदर इज प्रॉपरली प्लान जो उसने एविडेंस कलेक्ट किया वेदर इट इज अप्रोप्रिएट एंड कंक्लूजन्स आर प्रॉपर और नॉट एक थीम समझ में आया क्या डोंट वरी अबाउट वेदर यू कैन रिटेन ऑल दिस थिंग्स और नॉट वट इज इंपॉर्टेंट की हैव यू अंडरस्टुड दिस अगर फिर डिसाइड कर लिया यूज़ करने का है तो क्या होएगा? मैंने डिस्कस करने का कि भाई तेरा काम मुझे ऐसे से इस्तेमाल होने वाला है फिर सेकंड क्या बोलता है मैं उसके रिपोर्ट्स को रीड करूंगा फिर उन रिपोर्ट्स को इवेल्युएशन करूंगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दीज थिंग्स स्टार स्टार मार्क करा है देखो उधर इधर भी स्टार है ऊपर इधर भी स्टार है मतलब उसका इवेलुएशन कितना ज़्यादा करूंगा डिपेंड करता है कि उसका वो हाई रिस्क एरिया है क्या वही पॉइंट्स है ना हाई रिस्क एरिया है तो इवेल्युएन ज़्यादा करूंगा प्लानिंग परफॉर्मिंग है तो ज़्यादा करूंगा एविडेंस को इवेल्युएट करना कंक्लूजन की उसने बराबर से प्लानिंग करा है एविडेंसिशंट अप्रोप्रियटली है एंड कंक्लूजन अप्रोप्रिएट है या सम्झा नहीं समझा नहीं समझा आपको बोलो हाँ सो दिस इज दार्ट वन यूजिंग दर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर थर्टी सेकेंड लास्ट फटाफट जितना है वो हेडिंग बोल देना खत्म करो खत्म करो बात को बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या है बोल हाँ हाँ डिटरमाइनिंग यूजिंग द मतलब वहां से पार्ट वन की बात करें डिटरमाइनिंग दरियाज And to what extent? Perfect. Second point kya bolta hai? we have to determine the nature and extent of the work to be used. And third point, kya bolta hai? we are using the work of internal auditor. First part, mein, apne ko kya hai? if at all we want to use the work of the internal auditor, we should check what his scope, status, policies and procedures, objectivity, competence, and his approach. अगर ये नहीं है तो डोंट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर पार्ट वन खत्म इजी है दम, very good. Second, में, part, second stage में, क्या है डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क टू बी यूज बराबर सो so क्या होना चाहिए इंटरनल ऑडिटर पहले आता है क्या होता है जरा जोर लगाओ नहीं तो दिखाता हूं आपको इंटरनल ऑडिटर था एक्सटर्नल ऑडिटर था इंटरनल ऑडिटर के आगे क्या लिखा था ना देख लो नहीं आ जाता है अभी टाइम नहीं है इसलिए लिखा था इंटरनल ऑडिटर वी शुड कंसिडर द नेचर एंड स्कोप अब अपन यूज कर रहे हैं तो उसने क्या क्या यू करा है वो अपने लिए कितना रेलिवेंट है वो देखेंगे और इंटरनल ऑडिटर का ये होने के बाद एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा विल एक्सटर्नल ऑडिटर डू ही शुड बी मेकिंग ऑल द सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड बी सफिशियंटली इन्वॉल्व इन वेर वेर देर इज लोअर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंस स्टेटस अप्रोच सेकेंड प्लानिंग परफॉर्मिंग एवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस एंड हाई रिस्क एरिया पार्ट खत्म हो गया थर्ड में क्या है यूजिंग सेकेंड तो क्या रीड इज इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इवेल्युएट करो बराबर अबाउट वॉट की प्रॉपरली प्लान एविडेंस सफिशेंट अप्रोप्रिएट किया नहीं करा है एविडेंस ऑप्टेन और लास्ट में क्या कंक्लूजन जो पहुंचे वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है That's it. Talking about the रिक्वायरमेंट्स ऑफ एस ए नंबर सिक्स वन जीरो ध्यान से देखना इसका इफेक्टिव डेट क्या है इट्स फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सिक्सटीन अभी का ही है राइट right? तो इसके लिए ये रिवाइज वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है सो ध्यान से सुनना समझना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं रिक्वायरमेंट्स uh, पढ़ते हैं कुछ हेडिंग्स को देखते हैं ध्यान से सुनना डिटरमाइनिंग वेदर यूज करने का कि नहीं करने का कौन से एरिया में यूज करने का और कितने हद तक यूज करने का यह लिखा है क्या अपन ने डिटरमाइनिंग वेदर टू वॉट एक्सटेंट एंड इन विच एरिया टू वॉट एक्सटेंट एंड इन यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज समझ में आए आपको स्टेप बाय स्टेप अभी एकदम अच्छे से समझना पूरा पूरा अंदर जाएगा अभी बॉडी के नंबर टू ये था हेडिंग नंबर ए नंबर टू दैट इज बी अगर आपने ठान लिया कि यूज करने का है डिसाइड कर लिया कौन से एरियाज में और डिसाइड कर लिया कितने हद तक फिर आप डिसाइड करेंगे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क कि कौन सा काम इस्तेमाल करना है और वो काम कितने हद तक यूज करना है पहले क्या डिसाइड किया था पहले तो डिसाइड करना था यूज कर सकते हैं क्या यूज कर सकते हैं तो कौन से एरिया में और कौन से एरिया में कितने हद तक वापस से बोलू पहले तो क्या डिसाइड किया था यूज कर सकते हैं क्या अगर कर सकते हैं तो कौन से एरिया में कौन से एरिया में कितने हद तक अब डिसाइड हो चुका है एरिया तो इस एरिया में किस तरीके का काम चाहिए और वो काम कितने हद तक इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क पहले क्या बोला था कि उसका काम इस्तेमाल करना है कौन से काम एरिया में इस्तेमाल करना है और वो कितने हद तक फिर आप ये एरिया डिसाइड हो चुका है तो इस एरिया में कौन सा काम लेना है और वो काम कितने हद तक आया धन में आपको बी एंड सी इज वी आर एक्चुअली यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन समझ में आए आपको सो दिस इज वॉट थ्री हेडिंग्स वी डिवाइडेड इन टू द फर्स्ट पार्ट क्योंकि अगर आप आगे जाओगे आप देखोगे तो so अब वो क्या बोलता है वापस से सेम है आपको मजा आएगा यूज करना क्या कौन से एरिया में कितने हद तक बट क्या बोलता है टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट वी विल फर्स्ट डू द फर्स्ट पार्ट दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ auditor. तो इतना सिंपल हो गया अब अंदर का पढ़ते हैं बहुत इजी हो गया आपके लिए स्टैंडर्ड सो so यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट कि वेदर वी कैन यूज इट इन which areas एंड टू what एक्सटेंट सो फर्स्ट कहता है

द एक्सटेंड टू विच द इंटरनोडिट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस उसको ऑर्गेनाइजेशन में कितनी इज्जत मिल रही है उसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अपने लिए कितने रेलेवेंट हैं प्लस वो ऑब्जेक्टिविटी मतलब बायस नहीं होना चाहिए यू शुड नॉट बी बायस उसका कॉम्पिडेंस लेवल कितना है वो कितना होश्यार है कितनी बुद्धि है उसके अंदर नंबर थ्री उसका सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच अच्छे से काम करा है क्या क्योंकि अपने को क्वालिटी भी चाहिए सो so, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इफ यू वॉन्ट टू यूज वेदर वेदर का आंसर ये वेदर यू वॉन्ट टू यूज द वर्क ऑफिस सो वी से येस वी वॉन्ट टू दैट्स वाई वी आर कमिंग टू इंटरनल ऑडिटर ना इसलिए तो बातचीत चालू है तो वो क्या बोलता है यहाँ पे कि यूज करना है तो पहले आप क्या देखो उसकी ऑब्जेक्टिविटी उसका कॉम्पिटेंस उसका अप्रोच उसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या वो आपके लिए सूटेबल है क्या ये सब चीजें देखो तो तब आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू कैन यूज द वर्क और नॉट नेक्स्ट आगे बात करते बट वो बोलता है नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर डिटरमाइंस दैट द स्टेटस एंड रेलिवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डू नॉट सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट था वो पॉइंट यहां पर छापाया गया बस ऊपर बोलता है यूज कर सकते हैं जब है यूज नहीं कर सकते जब नहीं अपन ने चार्ट में सिंपल एक एरो डाल दिया और बोल दिया इफ नॉट एप्लीकेबल देन डोंट यूज इट अपन वापस थोड़ी पूरा लिखते बैठेंगे अपने को समरी करना है ना इसके एग्जाम में आया तो पूरा पूरा लिखने का क्योंकि अपने को लेंथ बड़ी करनी है आंसर की बराबर ना और पीएम या अभी तो पीएम नहीं है न्यू सिलेबस में बट आपको मालूम है कि पहले आपने ऑडिट पढ़ा है कितने लंबे लंबे आंसर्स लिखते हैं राइट सो दिस इज इट आगे द फंक्शन लैक कॉम्पिटेंस है क्या सेकेंड में भी वो लिखा है थर्ड में क्या बोलता है डज नॉट अप्लाई क्या बोलता है डज नॉट अप्लाई सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच ये लिखा है क्या यहाँ पे सो इज आर चार्ट का फर्स्ट पार्ट मतलब चार्ट वन का फर्स्ट पार्ट क्लियर है क्या एकदम बोलो ये सो सो so, अब आपको इतना पढ़ने के बाद और अच्छी क्लैरिटी आ गई यस yes. सो so, अब बोलो अब दिमाग में होएगा फिट अब सिंपल एकदम रिलैक्स मोड में पढ़ना कि हम बात कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर का काम इस्तेमाल करने के लिए काम इस्तेमाल करना है तो पहले डिसाइड करेंगे कि भाई काम इस्तेमाल करने का क्या है इसका सो इफ यू वांट टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर व्हाट ऑल थिंग्स शुड बी डिसाइड कि यूज करने का है तो ही शुड बी व्हाट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू सपोर्ट इज ऑब्जेक्टिविटी ही शुड बी कॉम्पिटेंट इट्स अप्रोच शुड बी सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन उसका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस क्या है इफ दिस इज गुड यूज इट इफ इट डज नॉट अप्लाई डोंट यूज इट द टॉपिक इज ओवर देन इफ यू डिसाइड टू यूज एट ऑल सेकेंड पार्ट बोलता है डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क टू बी यूज बराबर कि कौन सा काम कितने हद हाँ तक तो पहले क्या बोलता है

and its relevance to the external auditors' overall audit strategy and overall audit plan. or by internal auditor, what is your nature and scope of work and whether that work is relevant to our audit strategy and our audit plan. Samjha, nahi, samjha that's it. first step was to decide whether you can use the work of that guy. If at all you decide to use the work of that guy, check what that guy has done. Samja simple, keep it simple. What that guy has done. So to check that, we have to see what is the nature and what is the scope of your work. And whether your scope, your nature of work, is it relevant to support my audit strategy and my audit plan. If it is, then I will okay, I'll go ahead. Na? Otherwise, uh, if it is not relevant at all, why will I select it? Samja Nesamja. Again.

क्या बोलता है इट शाल बी डन इट्स दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी ऑप्शन टू एक्सटर्नल ऑडिटर की लाइक इफ यू वॉन्ट यू कैन डू इट इट्स लाइक कि यू हैव टू डू इट बाबा यू कैनॉट डेलीगेट द सिग्निफिकेंट मैटर टू होम द अदर पर्सन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी होल एंड सोल यू आर अपॉइंटेड फॉर दैट टास्क उसके लिए आया भाई तू तू वो डेलीगेट नहीं कर सकता किसी और को तो स्टैंडर्ड बोलता है देख भाई यू कैन यूज द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर बट वॉट वी आर से इफ एट ऑल एनी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स आर टू बी मेड यू आर सपोज टू मेक इट नो एक्सक्यूज नो ऑप्शन आया टू प्रिवेंट अन्यू यूज ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन शाल प्लान टू यूज लेस ऑफ द वर्क अब लेस वर्क कब करना एंड परफॉर्म मोर ऑफ द वर्क डायरेक्टली वो खुद से डायरेक्टली देखो सिग्निफिकेंट जजमेंट होगा तो वो खुद से पूरा काम करेगा

दिस इन्वॉल्व मोर जजमेंट अनुमान अंदाजा हाउ मच टू वॉट एक्सटेंड द वर्क इज टू बी कैरिड आउट सो आई कैनॉट से इंटरनल ऑडिटर को कि भाई ये काम कर ले तू पूरा ऑडिट को प्लान कर परफॉर्म कर गिव मी द कंक्लूजन एंड आई विल यूज दैट कंक्लूजन दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर ना कैन आई डू दैट नो सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है इवेल्युएटिंग एविडेंस ओके यू डोंट गिव ओपिनियन वॉट यू डू इज सी दिस इज द एविडेंस आई हैव यू टेक इट यू इट वॉट यू वॉन्ट टू से गिव इट टू मी दल फॉर्म नो क्योंकि एविडेंस इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्म दी ओपिनियन सो जजमेंट इज अगेन इन्वॉल्व वेयर इन इवेल्युएटिंग एविडेंस सो आई हैव टू मोर बी इन्वॉल्व इन वॉट इन दीज एक्टिविटीज वेर मोर जजमेंट इज रिक्वायर्ड समझ में आए सो इस केस में मैं उसको नहीं बोल सकता भाई तू कर ले बोलेगा भी तो भी मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट किसका होना चाहिए मेरा प्रिंसिपल ऑडिटर का समझा तो अपन अपन क्या बोल रहे थे अपन? समझने की कोशिश करो फर्स्ट आपको स्टेटस क्या है नंबर टू क्या बोलता है ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करती है क्या क्योंकि तुम मैनेजमेंट के लोग है तुम बायस हो सकते हो

बट टू वॉट एक्सटेंट टू वट एक्सटेंट आई शुड यूज तो मैं पहले क्या देखेंगे भाई इंटरनोटर इधर आ वाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ यूर वर्क इज इट रेलिवेंट टू माई ऑडिट स्ट्रैटर्जी एंड ऑडिट प्लान नहीं बताना भाई तू तो क्या काम कर रहा है कितना काम करा तूने क्या वो मेरे ऑडिट स्ट्रैटर्जी और ऑडिट प्लानिंग से रेलिवेंट है क्या बराबर है क्या तो बोलता है हाँ है तो इस्तेमाल करो नहीं है तो मत करो बराबर फिर उसमें क्या बोलता है सिग्निफिकेंट जजमेंट अगर होंगे तो मैं पूरे पूरे मईज देंगे मैं तेरे को नहीं देने दूंगा

पहले क्या बोला था अगर है ऊपर क्या बोला था सेकेंड इसमें इफ दे डू नॉट अप्लाई तो यूज ही नहीं करने का बट अगर आपको लगता है कि मतलब थोड़ी इज्जत है ऊपर के इसमें एक्सट्रीम बोला है तो यूज करो नहीं है तो मत करो बीच में है तो क्या करो यू ए बी इन्वॉल्व मैक्सिमम इनिट इसलिए मैंने क्या वो चार्ट में लिखा था लोअर फिर वो वहां पे वापस पीछे हर हो गया है. दिख रहा है क्या आपको ऐसे दिख रहा है ना आपको हाँ। तो वही पॉइंट्स लिखे लोअर स्टेटस डू नॉट सपोर्ट दी ऑब्जेक्टिविटी सब क्या है ये लेस है बराबर एंड देर इज कॉम्पिटेंस इज ऑल्सो वॉट लोअर लेवल पे सो ऑफ दो थ्री पॉइंट ऑन टॉप इन द फर्स्ट हेलो हेलो द फर्स्ट थ्री पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड तो क्या होगा उसमें अगर वो लोअर है तो वी विल बी मोर इन्वॉल्व हायर है तो ठीक है नहीं है तो यूज ही नहीं करने का बीच में है तो अपन ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेने का समझा नहीं समझा वेरी गुड देन The external auditor should also evaluate whether in aggregate, using the work of internal audit function to the extent planned would still result in the exact chart. In the, right the external auditor should also evaluate whether aggregate using the work of internal auditor to the extent would still result in external auditor being sufficiently involved in the audit. वो कैसा होना चाहिए इनवर्ड एंड एज पर टू सिक्सटी कम्युनिकेट इट टू द द और मैनेजमेंट प्लान स्कोप ऑफ द यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर गया बॉडी के अंदर आगे बढ़ू यहां से फिर अब डिसाइड करते हैं अपन हाउ भाई एक्चुअली यूज करते हैं इसका काम और अब डिसाइड कर लिया काम इस्तेमाल करना है तो क्या करते हैं इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही शाल डिस्कस द प्लान यूज ऑफ द वर्क है क्या दोनों आने का डिस्कस करने का जाने का प्लान यूज ऑफ इट्स वर्क ऑनसि ऑफ कॉर्डिनेटिंगल ऑडि इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिलेटिंग टू द वर्क ऑफ द फंक्शन दैट दर्नल ऑडिटर प्लान टू यूज एंड ऑप्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दोसिजर्स इट परफॉर्म क्या करा तुमने अंडरस्टैंडिंग लो सेम एज वी स्टडीड इन एस एस सिक्स हंड्रेड आगे बोलते है थे फिशियंट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द बॉडी ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन तुमने क्या किया है मैं क्या करेंगे उसको इवेल्युएट करेगा डिपेंड्स अपॉन क्या बोलता है वो एक्सटर्नल प्लान टू डूज द ड्रम इडिकुसी फॉर द पर्पज ऑफ द ऑडिट वेदर ध्यान से देखना कि तुमने प्रॉपरली तुमने तुम्हारा काम प्लान परफॉर्म सुपरवाइज रिव्यू डॉक्यूमेंटेड हुआ क्या हुआ मतलब मैंने उसमें लिखा है प्लान आगे अपन करेंगे प्लान रिव्यू वो सब अपना एक में आता है Second बोलता है बोलता कि तुमने इसमेंट अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस लिया क्या और जो कंक्लूजन तुमने दिया वो कंक्लूजन अप्रोप्रियट है क्या मैं वो इवेल्यूएशन करूंगा एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर कि तुमने काम करा ना तुमने, तुमने तुम्हारा काम प्रॉपरली प्लान किया क्या उसको प्रॉपर सफिशियंट अप्रोप्रियट एविडेंस लिया क्या और जो कंक्लूजन तुम पहुंचे हो वो कंक्लूजन बराबर है क्या नहीं है आई रिव्यू ऑल दिस एक्टिविटीज़ ठीक है। नेचर ये पॉइंट देखना द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कम करने का मतलब ये जो का जो ये जो जो ऊपर का है है, नहीं कम करने का या ज्यादा करना किसपे निर्भर करेगा वापस से कि इसके ऊपर जजमेंट कितना इन्वॉल्व है उस मारा था ना किसपे डिपेंड करता है वो कितना जजमेंट इन्वॉल्व है रिस्क कितना है

अप्रोप्रियट मतलब मैं उसके ऊपर भरोसा रख रहा हूं वो भाई करेक्ट है या नहीं है अप्रोप्रियट है या नहीं है दैट्स इट ओवर बोलो क्या डिफिकल्टी है इसके अंदर कुछ है क्या इसके अंदर नहीं नथिंग ओवर सो कैन वी प्रोसीड नाउ यस सो नाउ वी गो ऑन टू वेर पार्ट टू ऑफ एस सिक्स वन जीरो खत्म नहीं हुआ सब छ पेजेस का स्टैंडर्ड है नाउ रिलेस्ट तीन पेजेस बचे दो पेजेस एक दो एंड ढाई ढाई पेज बचा हुआ है ओवर कोई टेंशन नहीं है इसमें अब वापस से जब अपन आते हैं अपने चार्ट पे आएंगे अपने को चार्ट इजी लग रहा है क्या अपने को ये चार्ट फॉर्म इजी लग रहा है क्या परफेक्ट सो सब ध्यान से देखना ये तो बहुत सिंपल है मतलब बहुत ही बहुत ही सिंपल है पार्ट टू क्या बोलता है यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड वॉट डायरेक्ट असिस्टेंस उसका काम इस्तेमाल नहीं करने का बोलते हैं बोलते हैं उसको इस्तेमाल करने का जैसे आप इंटर्न्स को कैसे लेते भाई तू आउचिंग कर चल वैसे तू चल मेरे लिए काम कर डायरेक्ट अपन काम कराने का उससे तो वापस से इसको थीम समझते हैं इसको क्या बोलता है ये सबसे पहले तीन हेडिंग सेम रहेंगे मैं आपको बताता हूं डिटरमाइनिंग वेदर इन विच एरियाज एंड टू वॉट एक्सटेंट असिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस कैन बी यूज नंबर टू क्या बोलते हैं डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द डायरेक्ट असिस्टेंस बराबर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क थर्ड पॉइंट क्या बोलेगा ऑब्वियसली इंटरनल टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस देखो कुछ भी नहीं एंड लास्ट में सबका क्या करना है डॉक्यूमेंटेशन दिन ने पार्ट वन में पढ़े थे वही पार्ट टू के भी हेडिंग बस अंदर का कंटेंट चेंज होगा अब क्या हाथ से वो देखते हैं सबसे पहले सेम अपन ने पहले क्या बोला था थीम आपके दिमाग में बैठी है तो पहले अपन ने क्या बोला था पार्ट वन में भी कि कैन वी यूज़ द वर्क और नॉट इट डिपेंड्स अपॉन सर्टन थिंग्स क्या थिंग्स थे पार्ट वन में यूजिंग द वर्क में उसका स्टेटस उसके ऑब्जेक्टिव उसका अप्रोच एंड उसका कॉम्पिटेंस बराबर है तो करो नहीं है तो मत करो इधर क्या बोलता है इधर भी एज बोलता है यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते तो अपन क्या बोलते हैं कैनॉट यूज़ वेन वेन इट इज़ प्रोहिबिटेड बाई लॉ और रेगुलेशन कहीं पे भी बोला है अगर इंटरनल ऑडिटर का काम इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ कर सकते हैं बट इंटरनल ऑडिटर को तुम्हारे काम में यूज नहीं कर सकते नहीं करने का पे समझा नहीं समझा नहीं करने का लो कोई लॉ बोला तो सेकेंड क्या बोलता है वेन देर इज थ्रेड टू ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्फिडेंस अगर आपको लगता है कि अगर उसको लूंगा मैं सुनना उसको लूंगा उसको अगर कुछ पता चल जाएगा मैनेजमेंट का आदमी है बायस हो जाएगा जाके मैनेजमेंट को बोल देगा ऑडिटर को एक्सटर्नल ऑडिटर को ऐसे से पता चला है अपना ऑडिट का इंडिपेंडेंस कम हो जाएगा तो आपने को लगता है कि इफ़ देर इज अ थ्रेट टू सिक्योर और ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं लेने का उसको या वो बेवकूफ है मत लो ना फिर उसको बट अगर आपको लगता है कि ये सब नहीं है वापस से क्या नॉट प्रोहिबिटेड एंड वेन देर इज नो थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस यूज इट ओवर खत्म इज इज ईजी वेरी इजी अब वापस से डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क टू बी यूज वापस सेम पॉइंट है कितने हद तक तो बोलता है एक्सटर्नल ऑडिटर शुड कंसिडर वापस क्या दिया अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व इन सेम पॉइंट से वापस से मैं उसको मतलब पहले क्या मैं उसका काम इस्तेमाल करता था अब मैं क्या बोलता हूं जानते मैं उसका काम नहीं ना उसको चले रहा ना मैं, मैं उसको बोल रहा हूं कि तू मेरे लिए काम कर यू प्लान एंड परफॉर्म यू ऑडिट एविडेंस यहां पे भी सेम पॉइंट से रिपीट है खत्म बोलता है, नहीं कर सकते So, बोलता है कंसिडर द अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्ड इन प्लानिंग परफॉर्मिंग इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस सेकंड पॉइंट वही है असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस सेम पॉइंट से देख लेना बराबर क्या सो so, उस केस में अपन ने क्या करना है अपन ने मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट लेना है उसका डायरेक्ट असिस्टेंस कम लेना है फिर उसके बाद शाल नॉट यूज बराबर सेम पॉइंट्स सेम पॉइंट्स डायरेक्ट असिस्टेंस इफ इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट जजमेंट कौन से प्लान परफॉर्म इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस नंबर टू हाई रिस्क एरिया इंपॉर्टेंट इज वॉट वेर वर्क वेर इंटरनल ऑडिटर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व अगर इंटरनल ऑडिटर कोई इंटरनल ऑडिट इस पर्टिकुलर एरिया को ऑलरेडी कर रहे हैं उन्हीं को नहीं बोलना कि तुम्हें वापस तुम्हारा काम चेक करो कि वो बराबर हुआ या नहीं हुआ अगर मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं बराबर क्या नहीं और मैं क्या बोलता हूं कि एक काम कर भाई तूने जो तू काम किया था वो तू चेक कर ले और बता मेरे को सही है कि नहीं वो बोलेगा सही है इट इज लाइक इट इज लाइक राइटिंग योर ओन आंसर पेपर एंड चेकिंग बाईर सेल्फ एंड गिविंग हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड सो उस केस में इस्तेमाल करने का नहीं नंबर थ्री फोर डिसीजन एक्सटर्नल ऑडिटर्स मेक इन अकॉर्डेंस विद दिस एसे अब ये क्या है ध्यान से सुनना डिसीजन एक्सटर्नल ऑडिटर मेक इन अकॉर्डेंस विद दिस एसे अब इस ऐसे में क्या होता है अपने को एक डिसीजन लेना होता है पार्ट वन में समझना पार्ट वन में कि कैन आई यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू चेक द ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंस अप्रोच बाय इंटरनल ऑडिटर सही है कि नहीं है सो so मैं वो डिसीजन लूंगा कि सही है या नहीं है आई एम टेकिंग दिस डिसीजन एज पर दिस एसे करेक्ट करेक्ट ना अब मैं क्या बोलता हूं इंटरनल ऑडिटर एंड टेक हिज असिस्टेंस इट सेल्फ टू चेक कि वेदर इज कॉम्पिटेंट वेदर इज ऑब्जेक्टिव पहले क्या बोल रहा था कि वो उसने जो काम किया वही चेक करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते अब इस ऐसे के अंदर मुझे कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं देखो यहां अपन ने देखे थे क्या डिसीजन लेना पड़ता है किधर गया ये आई कैन यूज द वर्क और नॉट सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है आई है स्टेटस

सो so, मैं उस स्टैंडर्ड में उसके लिए उसको बोलूंगा कि तू आकर तो वो क्या बोलेगा हाउ मेरा स्टेटस बहुत अच्छा है अरे वो डिसीजन मेरे को लेना है ना इस स्टैंडर्ड के मुताबिक तो मैं वो तुझे डेलीगेट नहीं कर सकता तेरा डायरेक्ट असिस्टेंस भी नहीं ले सकता उस केस में समझा तो इस केस में इस्तेमाल मत करो बच्चों आया क्या ध्यान में आपको वेरी गुड इजी है एकदम स्टैंडर्ड ही लग रहा ना पार्ट टू काफी इजी है हाँ। हो गया फिर आप क्या इतना खत्म हो गया एक बार इतना बोलते क्या अपन भूल गए होंगे भूल गए होंगे पार्ट वन यूज कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते कब नहीं कर सकते वेन इट इज प्रोहिबिटेड बाई लॉ और रेगुलेशन और देर इज अ थ्रेड टू वॉट इट्स ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस यूज कर सकते हैं इट इज इज नॉट प्रोहिबिटेड एंड नो टू कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी दैट्स ए सिंपल सेकेंड पार्ट क्या बोलता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क किस पे आधारित है तो बोलता है कंसिडर वॉट वही सेम पॉइंट क्या बोलो नंबर वन मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व किसमें प्लानिंग परफॉर्मिंग इवेलुएटिंग ऑडिट एविडेंस नंबर टू क्या बोलता है हाई रिस्क एरिया नंबर थ्री क्या बोलता है ऑब्जेक्टिविटी एंड नंबर फोर कॉम्पिटेंस बराबर ना ये रहा सिंपल सिंपल बट कब यूज नहीं करने का उसका डायरेक्ट असिस्टेंस मतलब सुनना क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन देर इज नो थ्रेट टू इट्स ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस

वेरी गुड फिर अब यूज करते हैं समझ में आ गया आपको कि आप कब यूज कर सकते हैं नहीं यूज कर सकते अपना सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और अगर यूज कर सकते हैं फिर भी नहीं करने का और इसके अलावा अगर कोई एरिया में यूज करने का है तो कर सकते हैं फिर बराबर क्या नहीं तो फिर क्या बोलता है यूज कर लो तो क्या कंडीशन है पॉइंट नंबर वन प्रायर यूजिंग डायरेक्ट असिस्टेंस उसका काम इस्तेमाल करने के पहले एक रिटर्न क्या होना चाहिए अग्रीमेंट होना चाहिए दो लोगों के साथ एक एंटिटी जिसका ये इंटरनल ऑडिटर है और दूसरा वो खुद इंटरनल ऑडिटर के साथ दोनों के साथ लिखित तौर पे आपने करार अग्रीमेंट कर लेना चाहिए क्या नंबर वन एंटिटी के साथ बोलने का देखो यू विल अलाउ अस टू यूज द यूज इंटरनल ऑडिटर फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्टर्स बाद में चिक चिक करने का नहीं अरे नहीं हम नहीं देंगे इसको पहले अग्रीमेंट कर लो नंबर टू वो जो इंटरनल ऑडिटर है उसके साथ अग्रीमेंट कर लो तू बाहर जाके किसी को बोलेगा नहीं अपना कॉन्फिडेंशियलिटी है तू बोलेगा तो फटके खाएंगा तू ऐसा अग्रीमेंट कर लो दे विल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी डू यू थिंक इट इज वैलिड यस फिर आ गया डायरेक्ट एंड सुपरवाइज फिर हो गया एक बार उनको क्या करो डायरेक्शन सुपरविजन दो जैसे आप किसको देते हो आपके इंटर्न्स को देते हो वैसे फिर लगा लो काम पे समझा नहीं समझा हो गया भाई स्टैंडर्ड और ये पूरी जो प्रोसीजर आपने करी उसको क्या कर लेना है आपने डॉक्यूमेंट करना है, इट ओवर, इजी ना? पार्ट टू काफी इजी है hmm. चलिए पहले पढ़ लेते फिर लिख लेंगे फास्ट, फास्ट फास्ट लिख लेंगे, 620 पढ़ेंगे देन चैप्टर थ्री को स्टार्ट कर देंगे थोड़ा फास्ट पढ़ो तो चलेंगे अभी यस डिटरमाइनिंग वेदर कैन बी यूज टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस right the auditor may be prohibited by law or regulation to not use it. if internal auditors direct assistance is not prohibited by law or regulation and external auditor plans to use the internal auditors to provide direct assistance on the audit the external auditor shall evaluate the existence of threats to objectivity and competence the external auditors evaluation of such existence and significance to threaten objectivity shall include inquiry of internal auditors रिगार्डिंग इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप दे में क्रिएट अ थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी नॉट यूज इट वेन देर इज अ थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी एंड द लैक्स कॉम्पिटेंस खत्म हो गया मतलब इतना लिखा उन्होंने अपन ने भाई दो शब्दों में बोल दिया लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है मत कर कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी थ्रेट करता है मत कर अगर ये सब है तो तो कर समझा नहीं समझा और डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट दैट कैन भी मतलब मैं हमेशा ध्यान में रखना कंटेंट देख के साइज देख के कभी डर नहीं जाना अपना आधे हो जाते अभी है अभी मस्त है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया टेंशन नहीं इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट दैट मे बी बीन टू द इंटरनल ऑडिटर द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू दैट इज अप्रोप्रिएट द एक्सटर्नल ऑडिटर शाल कंसिडर क्या क्या चीजें देखनी कि भाई मैं को कितना उसको देना है ज्ञान सो so, कहता है मैक्सिमम अमाउंट क्या बोलता है अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्ड इन आता है आपको प्लान प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस असिस्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फिर उसके बाद अपना वो सेम पॉइंट क्या थ्रेड्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस राइट है ना आगे उसके बाद ही शाल नॉट यूज मतलब ऊपर अलाउड भी होगा फिर भी यूज नहीं कर सकता कब जब उसको सिग्निफिकेंट जजमेंट्स बनाने हैं हाई रिस्क एरियाज है अब उसके बाद कहता है रिलेट टू द वर्क इन विच इंटरनल ऑडिटर्स द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद दिस एसे दिख रहा है ना आपको दिस एसे

रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी होगी एक्सटर्नल ऑडिटर की अब यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस प्रायर टू यूजिंग ही शाल प्रायर क्या करना चाहिए रिटर्न अग्रीमेंट किसके साथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी दैट इंटरनल ऑडिटर्स विल बी अलाउड टू फॉलो एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंटरवेंशन एंड दे विल नॉट इंटरवीन बीच बीच में नहीं करेंगे नंबर टू रिटर्न अग्रीमेंट विथ होम द इंटरनल ऑडिटर्स दैट दे विल बी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म द एक्सटर्नल ऑडिटर अबाउट एनी थ्रेड टू ऑब्जेक्टिविटी Number two, the external auditor shall then direct and supervise as required by SA 220. Direction, supervision, performance, review, and consultation. The nature, timing, and extent of direction, supervision, and review shall recognize the internal auditors are not independent of the entity and be responsive to the outcome. to independence check. It shall be checking back to the underlying audit evidence for some work performed by the internal auditors.

वही सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है स्टेटस उसका ऑब्जेक्टिविटी बराबर है कि नहीं डॉक्यूमेंट करो आपने उसके लिए क्या क्या करा नंबर टू अप्रोच बराबर से यूज़ करा क्या मतलब उसका अप्रोच सही है क्या डॉक्यूमेंट करो उसके बाद द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द मतलब वो सेकेंड पॉइंट था ना नेचर एंड एक्सटेंट उसके बारे में आपने क्या किया डॉक्यूमेंट करो आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब वॉट एवर इज़ रिटर्न टिलयर मतलब अभी तक जितना भी करा सब कुछ क्या करना है आपको डॉक्यूमेंट करना है इसी के साथ अपना दोस्तों क्या खत्म हो जाता है एस ए नंबर सिक्स हंड्रेड एंड टेन एनी डिफिकल्टी अरे बोलो हाँ ना नहीं ना आगे बढ़ सकते हैं या?